इस मुद्दे की की है कि जी जिन्ना भी जरा 734 कनाल जमीन का रफड़ा पूरे पंजाब जरा फैलिया है, ये मेरी पंचायत है। मैं सरपंच सुनील कुमार हाँ। मेरी पंचायत जरा ना गोल है, टोटल मेरे को मेरी पंचायत में 9 पिंड है, जिस चार पिंड जोड़े आ बेचराग पिंड है। ये जी जमीन है ये मेरे तो माइनिंग डिपार्टमेंट वालों जोड़ा गगन एमओ है उन्होंने मेरे से नजायज़ परचा भी किया 2000 हैगा ही 27 नंबर 4-1-7-4-21 के पिछे परचा होया। उस तो बाद मैं लगातार कंप्लेना भी कीतियां, परचे की इनकुआरी भी कराई, लेकिन वो मेरा परचा जरा अज भी इस जमीन के पिछे जो स्टैंड है, क्योंकि ये बड़ा वड्डा माइनिंग माफिया का रोल है। दरिया के जमीन हैगी लगभग 92 किले के 50 किले जी माइनिंग के पिछे आती है। ताज़ा मामला यह हो कि जरा इतने माइनिंग माफिया वालों इतने एक ADC लवाया ही कुलदीप सिंह, वो ADC ने 2 दिन वास्ते ADC लगा उन्हें जमीन जी फिर उन्होंने माइनिंग माफिया वाले के हक के कर दी है। उस तो बाद मंत्री साहब ना मेरी गल हुई थी 2 तरीक में, मंत्री साहब इदा गल हुई है कि मेरी जमीन जी है वो फैसला जरा गलत किया गया बिना हाडे तो ना केस सुने ना सू कोई तरीक पाई है ना कोई फैस मतलब बहस हुई है कि फैसला जरा दूसरे हक से करता है। पर जिस बंद ने किया उन्हें पहला एक कुलदीप सिंह वीडियो रहा उन्होंने मतलब सू एक DGPCSC मशीन के क्या प्रबंध करो कि अभी निशानदेही करिए जी निशानदेही की फीस जी मैं सरकारी फीस जी 5365 रुपये जी सरकारी खजाने जमा कराई हुई है 1.5 साल तो उपर हो गया वो निशानदेही नहीं हुई है ना ही मैं मालदा महकमा करता जिस तुम आता बाद ही उन्होंने फोन आता कि वापस आ जाओ। ये बड़ी बारी होया कि उत्थे कोई 10 वारी या निशानदेही करन गया महकमा लेकिन उत्थों जाके वापस आ जांदे आ। सर जमीन जी पंचायती सी या मालकी सी जी? ये जमीन सामलट है जी, सामलट जो दे जी पंचायत की सांझे सकमां वास्ते हुंदी है जी। कुलदीप सिंह ने जो बंदे उन्होंने अपने हक च कराई है तुम पहला कुलदीप सिंह जी कंप्लेन पाओ जो थोड़ा राइट बनता कंप्लेन पाओ डायरेक्टर साहब के केस दर्ज करो तो मैं उन्होंने जी बनती कानूनी कार्रवाई कार्रवाई जरूर करावगा। यह मंत्री साहब ने मैं आश्वासन दिता जगह अलॉट की गई है हाँ जी बंद क्या कोई स्टे करा कोशिश की? हाँ जी वो स्टे लिया अपने साड़ी डिपार्टमेंट वालों काफ़ी हेल्प हुई है कि उन्होंने जरा जिन्होंने अपने हक से कराया उन्होंने दूसरे दिन ही मतलब कोशिश की कि जरा इंतकाल जड़े वो साढ़े नाल चले जाए, लेकिन मैं 2 तरीक नूं ही मंत्री साहब कंप्लेन करती सी उहदे विच सानू मंत्री साहब ने इन्ना करवाया कि जिहड़ा स्टे करवाने तो पहला भी उत्थे जिहड़ी रोक लवाती ही भी ये जिहड़ियां जमीन नाल छेड़खानी ना की जाए जो हैगा उह रहिण दित्ता जाए इहदे इंतकाल चेंज ना किए जाण। इस वास्ते मंत्री साहब ने काफ़ी जरा किया। अं मैं मंग करना कि जरा तो पहला तो जो मेरे से झूठा नजायज़ परचा होया जो गगन एमओ ने जो इन्ना करप्ट बंदा सी अज भी सस्पेंड होया जी। मंत्री साहब ने जो मंत्री साहब ने अहदा संभालिया उस टाइम ही उस टाइम तो ही वह बंदा सस्पेंड है गगन माइनिंग अफसर जरा जी उद्दे मतलब जो बंदी कार्रवाई की जाए प्लस जो मेरा परचा जो कैंसल किया जाए और जमीन जी पिंड के हवाले की जाए। सर मेरा नाम अक्षय सैनी जड़ा ये मुद्दा कांग्रेस सरकार वेले जड़ा इन्हां दे पिंड गोल दे सरपंच सुनील कुमार दे नाते आरोप लाया सी कि ये नजायज़ माइनिंग करवाई गई ना दिंदे कोई ट्रैक्टर ना कोई ट्राली इन्हां कोल वो भी नजायज़ इन्हां ते कीता जी। उस तो बाद इन्होंने उस तो बाद इन्हां दे हक दे विच उसले लाल चंद जी मंत्री सी ना कोई MLA सीगे उन्हां दे उन्होंने आगे वाले बैठ दित्ती सी कि ये गलत हो रहा है अज उन्होंने ते किस तरह आरोप लाते भी ये इन्होंने नजायज़ कर रहे हैं जी ये बिल्कुल गलत है जी ये साढ़े हक से साढ़े नाल है बिल्कुल ही ये उन्होंने बिल्कुल नजायज़ हो रही है जी उन्होंने आरोप लाए गए हैं। मंग इंसाफ चाहिए जी जी पंचायती जमीन आ पंचायत में मिलनी चाहिए जी जे बेनवाद जे मंत्री साहब के नाल आए गलत है जी।